यूरिन इन्फेक्शन महिलाओं में क्यों होता है और इसको कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियन या फिर संक्रामण रोग विशेषज्ञ हूँ और आज हम यूरिन इन्फेक्शन महिलाओं में क्यों होता है और इसको कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यूरिन इन्फेक्शन महिलाओं में कब हो सकता है? यूजुअली ये यंग सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में होता है या फिर जैसे जैसे एज एडवांस होती है तो ईस्ट्रोजन की कमी के कारण इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कई बार कुछ कारण है जैसे कि अगर यूट्रस का प्रोलैप्स हुआ या फिर कोई गायनेकोलॉजी की प्रॉब्लम हुई उसमें भी यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार छोटे बच्चों में या छोटी लड़कियों में भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिन इन्फेक्शन महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, वो इसलिए क्योंकि जो एनस होता है और यूरेथ्रा, एक तो यूरेथ्रा छोटा होता है और एनस और यूरेथ्रा के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो भी महिलाओं में कम है, इसीलिए महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि यूरिन में जल्दी जल्दी आना या फिर जलन होना या फिर उसको रोक नहीं पाना, नीचे के एरिया में मतलब पेट के नीचे दर्द होना, फीवर आ जाना या फिर बैकएक होना, ये सब यूरिन इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं। कई बार अगर बहुत ओल्ड लेडीज़ हैं तो उसमें हो सकता है कि ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स ना हो और बस उनका सेंसोरियम थोड़ा सा कम हो जाए, ये भी एक यूरिन के इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अगर यूरिन का इन्फेक्शन है तो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, बिकॉज अगर ये नहीं ठीक किया गया तो फिर सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है जिसमें जान भी जा सकती है और कई बार किडनी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि कई बार किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ जाना या फिर किडनी फेलियर हो जाना या फिर उसमें इन्फेक्शन बन जाना जैसे कि एब्सेस या पस भर जाना, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इसलिए यूरिन इन्फेक्शन को डायग्नोस जल्दी से जल्दी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें अगर कोई किसी भी पेशेंट को अगर जलन हो रही है या जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है तो पहला तो हमें ये देखना है कि यूरिन इन्फेक्शन है, क्योंकि इस तरह के सिम्टम्स कई बार अदर कंडीशंस जैसे कि कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस उसमें भी हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको एक डॉक्टर के कंसल्ट करके डायग्नोस करना ज़रूरी है। और टेस्ट के लिए आप ब्लड टेस्ट, इनफैक्ट यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, मिडस्ट्रीम सैंपल देना ज़रूरी है जिसको कि लैब में ट्रांसपोर्ट जल्दी से जल्दी करना चाहिए ताकि हम उसको अप्रोप्रिएट कल्चर में लगा सके। यूरिन मिडस्ट्रीम सैंपल का क्या मतलब है? ये इसका ये मतलब है कि आप दिन में कभी भी यूरिन का सैंपल दे सकते हैं, पर जब भी आप सैंपल दें तो शुरू का भाग आप डिस्कार्ड कर दीजिए और बीच का यूरिन का सैंपल जो कंटेनर है उसमें हमें कलेक्ट करके फिर लैबोरेटरी में देना है। इसके अलावा कई बार हमें कुछ लोगों में यूरिन इन्फेक्शन इवन टीबी के कारण भी हो सकता है, जिसको कि हम जिनाइटो यूरिनरी टीबी कहते हैं, और कई बार ये बहुत बाद में समझ में आता है कि यूरिन ये जो इन्फेक्शन है वो टीबी के कारण है। तो यूरिन इन्फेक्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इनफैक्ट फंगल इन्फेक्शन या फिर कैंडिडा इन्फेक्शन पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है उनमें भी फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा के द्वारा यूटीआई हो सकता है। तो यूरिन इन्फेक्शन के बहुत सारे कारण हैं और किस कारण से है ये जानना ज़रूरी है ताकि हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे सकें। तो इसको हमें सबसे पहले, इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि हम यूरिन कल्चर, पहले तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे और एंटीबायोटिक्स जो देना है वो बस
ये नहीं कि कोई भी एंटीबायोटिक दे दी जाए, बट हमें ये देखना है कि यूरिन इन्फेक्शन लोअर यूटीआई है, जैसे कि ब्लैडर का इन्फेक्शन है, या फिर अपर यूटीआई है जिसमें किडनी का इन्फेक्शन है, और किस एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक सूट करेगी, किस एंटीबायोटिक से एलर्जी नहीं है, कौन सी एंटीबायोटिक सबसे सस्ती है, क्या हमें ओरल की आवश्यकता है या फिर आईवी की आवश्यकता है। बहुत सारे पॉइंट्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं यूरिन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। ये इन्फेक्शन बार बार ना हो, इसके लिए महिलाओं को खासकर ये ध्यान में रखना होता है कि जब भी आप मोशन के लिए जाएं तो क्लीनिंग जो है हमेशा आगे से पीछे के लिए होनी चाहिए, ना कि पीछे से आगे। इवन वाटर जेट आप पीछे से नहीं यूज़ करेंगे, आगे से यूज़ करेंगे। इससे इन जो बैक्टीरिया है वो यूरेथ्रा के पास आने की संभावना कम हो जाती है। यूरिन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अगर कोई और बीमारी नहीं है, तो अगर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पानी पीने से वो जो बैक्टीरिया किडनी में या फिर ब्लैडर में अटैच हो जाएंगे, वो एक्चुअली फ्लश आउट हो जाते हैं वाटर से या फिर पानी से। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके अगर मान लीजिए किसी को किडनी का स्टोन है या फिर कोई यूट्रस की प्रॉब्लम है, तो उसको भी ठीक करना ज़रूरी है ताकि यूरिन का इन्फेक्शन बार बार ना हो। और कई बार ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है जिससे भी यूरिन का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो इसलिए भी कई बार हम इवोलॉन क्रीम या ईस्ट्रोजन क्रीम लगाने को देते हैं ताकि इन्फेक्शन फिर से ना हो। सो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, आई होप आपको ये यूरिन के इन्फेक्शन के बारे में बताएंगे, और जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके और बार बार इन्फेक्शन ना हो इसमें हेल्प करेंगे। धन्यवाद।